हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी फ्रेंड शीतल और मैं आज जा रही हूँ अपने पूरे फैमिली के साथ समर वेकेशन पे। समर वेकेशन इस बार का हम लोगों का है जगन्नाथपुरी धाम। तो अब हम पहले जाएंगे भुवनेश्वर और वहाँ से जाएंगे जगन्नाथपुरी। बेसिकली भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी कुछ 1 आवर्स का ट्रैवलिंग है। ये देखिए, हम लोग फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो सबके अपनी सीटें बुक है, सब अपने अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। ट्रेन का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग समर में जा रहे हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ट्रेन का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी अच्छी लग रही है। रात के 2 बजे का समय है, रात के 2 बजे किसी स्टेशन पर रुकी हमारी ट्रेन। दूसरे दिन सुबह देखिए, आप लोग इंजॉय कर रहे हो या नहीं बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। ये ट्रेन का सफ़र हमारे साथ, हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि पूरे फैमिली के साथ जब जाते हो तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो गाइस, ये लोकल ट्रेन है जो भुवनेश्वर से जगन्नाथपुर जाने के लिए मिलती है। वहाँ से आप लोकल ट्रेन से भी यात्रा कर सकते हो या फिर बस या ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हो, टैक्सी वगैरह कर सकते हो। तो हम काफ़ी ज़्यादा लोग थे और हमें लोकल भी फटाफट से मिल गए, स्टेशन पर उतर गए। तो हम लोग लोकल में चल गए जगन्नाथपुरी स्टेशन पे। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में बना रही हूँ। देखिए जगन्नाथपुरी का स्टेशन, देखिए स्टेशन का काम चल रहा है वहाँ पर, तो काफ़ी बड़ा होने वाला है स्टेशन। भुवनेश्वर में भी स्टेशन का काम चल रहा है, जगन्नाथपुर में भी चल रहा है। काफ़ी अच्छे और बड़े स्टेशन बनने वाले हैं, साफ सुथरे। तो आप लोग एक बार ज़रूर चाहिएगा घूमने के लिए। देखिए हमारे लोकल 8 नंबर पे उतरे थे हम लोग। ये सेकेंड डे हम लोग मंदिर में जाने के लिए नहा धो के तैयार हो गए, मंदिर में जाने के लिए निकले। मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे थे जहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की। ये रथ यात्रा की तैयारी चल रही है, जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है उसकी तैयारी चल रही है। कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, देखिए रथ बनाने का कितना अच्छे से। हम लोग अब जा रहे हैं बीच पे, दर्शन करके आ गए। दर्शन करने के लिए वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है। तो हम अंदर कुछ लेकर नहीं गए थे, इसलिए हम लोग दर्शन करके बाहर मोबाइल वगैरह जमा किए थे और वहीं से लेकर आए। ये अभी तक नहीं, हम लोग वापसी में आ रहे हैं। वहीं पे नज़दीक समंदर है, हम लोग समंदर पे जाएंगे अभी बीच पे घूमने के लिए। ये देखिए यहाँ पे कुछ रेत ही रखी हुई है, ये सारे मेरे फैमिली मेम्बर हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह के ऑटो वगैरह चलते हैं जो बिजनेस सुपर में आपको छोड़ देते हैं।